Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshi Jain and I hope you people are doing fine. तो guys, आज का जो टॉपिक है ना, ये हम most of the students, वो चाहे 10th, 11th में हो, 12th में हो या CS किसी भी एग्जाम में हो, उनका बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम रहता है ये कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का तो छोड़ो, हमको बुक खोलते हमको नींद आने लगती है, फिर फोन चलाने का मन होता है, बोर होता है, हम लोग बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक साथ में नहीं पढ़ पाते हैं. तो ये सारी एक जनरल प्रॉब्लम एक जनरल स्टूडेंट्स की रहती है. तो अगर आपकी भी एक ये प्रॉब्लम है तो गाइस डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो अब सबसे पहले ये बात है कि इज इट वेरी अनकॉमन, क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है? तो गाइस लेट मी क्लियर यू, ये नहीं होना इज अ प्रॉब्लम, ये तो सबके साथ ही होता है. तो दिस इज वेरी नेचुरल एंड होना ही है, पर ये कब होता है? सो जब तक मुझे जो लगता है ना कि ये जो बोर होना, नींद आना, ये कब होता है? जब तक हम चीजें प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं. प्रोक्रास्टिनेट मतलब हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं. मैं बोल सकती हूँ ठीक है यार आज पढ़ना, पढ़ने बुक खोली, सर नींद आ रही है, ऐसा लगता है चलो ठीक है बंद कर दो कल पढ़ लेंगे. टिल द टाइम आई नो कि यस कल पढ़ने का ऑप्शन है. कभी चीजें होना बंद हो जाएंगी जब हमको ये समझ आ जाएगा कि बेटा आज नहीं तो नहीं, क्योंकि कल भी ऑलरेडी हमारी चीजें स्केड्यूल्ड है. आज का नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल का खुद का स्केड्यूल पढ़ के ये चीजें कैसे मैनेज करेंगे? डिफिकल्ट हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर मैनेज नहीं होगी. तो बेसिकली जब तक प्रोक्रास्टिनेट चीजें को कर पाते हैं ना, एक नॉर्मल जो ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, तब तक हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही करते हैं. पर इसके लिए अब सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गई, समझ आ गया कि हाँ प्रोक्रास्टिनेट करते हैं एंड जब तक कर पाएंगे तब तक करेंगे, एंड हमको बहुत नींद आती है जब हम पढ़ने वगैरह बैठते हैं. तो गाइस आंसर इज कि जब आपको पता रहे ना कि यस आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहाँ जाना है, से कहीं जाना है, किसी फंक्शन में कहाँ जाना है, कितने बजे है, डिस्टेंस कितनी है, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करके रखोगे. तब आप अवॉइड करोगे, जब आपको पता है कि इस कट टू कट टाइम पे चल रहे हैं तो आप अवॉइड करोगे कि आप बीच में नहीं रुके हैं पानी लेने, चिप्स लेने, एंड जो हम लोग टाइम पास के लिए बीच में रुकते रहते हैं, बोर हो गए तो थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, तो आप उस टाइम नहीं करोगे जब आपके पास पता है कि यस टाइम कितना है. तो सेम वे हमको जब पढ़ना भी है तो हमारे पास एक ओवरऑल प्लान रहना चाहिए कि दिन कितने हैं, कितने सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए, कितने टाइम्स वो सब्जेक्ट पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंटर में या फाइनल में हो, सीए इंटर या फाइनल में, देन यू हैव 8 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, एंड हर सब्जेक्ट एक बार पढ़ के तो नहीं होता है, ये हमने पुराने वीडियोज में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. हमको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ना है. तो मान लो 4 बार पढ़ते हैं तो आपको यार टोटल 32 टाइम्स पढ़ना है, 8 × 4, राइट? तो आपको जब 32 टाइम्स पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप कैसे प्रोक्रास्टिनेट करोगे? अगर दिख रहा है कि यार मेरे पास सिर्फ 100 दिन है, 32 टाइम्स पढ़ना है, मतलब आप एवरेज में देखो हर सब्जेक्ट को सिर्फ 3 दिन मिलते हैं एक रीडिंग के लिए, इज इट सफिशियंट फॉर यू? इतना बड़े बड़े ह्यूज सिलेबस आप 3 दिन में पढ़ पाओगे क्या? मैं ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, यू बेटर नो योर प्लान एंड योर डेज, मैं जस्ट एग्जाम्पल समझा रही हूँ. अब मुझे ये पता है ना कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अफोर्ड कि यस आज सो जाती हूँ कल पढ़ लूंगी. पापा 100 दिन कम है, 99 डेज उससे भी कम है, एंड ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते करते अगर 85-90 डेज बचेंगे तो बहुत कम हो जाएंगे. तो जब मुझे कट टू कट प्लान पता है ना कितना पढ़ना है, कहाँ जाना है, कितना टाइम में जाना है, तब मेरे अंदर से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मेरे पास पोस्टपोन करने का ऑप्शन नहीं है. अब आई नो कि यस इट इज ईदर टूडे एंड प्रोबेबली देन, फिर शायद रिकवर नहीं हो पाएगा अगर आज नहीं किया तो. तो अगर आपको ये सारी चीजें, अगर आपको आपका प्लान बहुत अच्छे से पता है, गाइस आई एम श्योर कि आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि देयर इज नो टुमारो अभी के लिए तो. पर सेकेंड टाइम यस एक ओवरऑल रहता है, बट बीच में फिर भी थोड़ा सा बोर्डम आता ही है, थोड़ा सा हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हमको नींद आने लगती है. तो गाइस अगेन दिस इज वेरी नेचुरल, बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि खुद को थोड़ा सा कमीशन, मतलब थोड़े बेटर वर्ड्स में आई वुड से खुद को थोड़ा रिवॉर्ड देना शुरू करो. रिवॉर्ड्स दो ना खुद को, हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं या किसी और को देते हैं, खुद को दो, खुद को बोलो. जैसे अगर मान लो कि आपको सोना बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, या डांस करना, गाना गाना, जो भी आपको पसंद है, गाने सुनना, तो खुद को हम ऐसे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि भाई अभी मेरे को आज ये चैप्टर पढ़ना है या इतने पेजेस पढ़ना है. तो जब तक मेरा ये चैप्टर या इतने पेजेस पढ़ के नहीं होंगे तब तक मैं डांस नहीं करूंगी या मैं गाना नहीं सुनूंगी, और जैसे ये हो जाएगा फिर मैं खुद को 10 मिनट का ब्रेक दूंगी, गाने सुनूंगी, डांस करूंगी, जो भी आपको करना है, जो भी पसंद है. तो क्या होगा, हम लोग बहुत ईगरली वेट करते हैं कि यार मुझे कब गाने सुनने मिलेगा, कब मुझे सोने मिलेगा. तो यू नो कि भाई पहले तो मुझे ये कंप्लीट करना है तभी मिलेगा, एंड आप उस रिवॉर्ड के चक्कर में आप यहाँ पे भी आपका जो पहले का प्लान है वो अच्छे से करोगे, क्योंकि आपको वो चाहिए जल्दी चीज ना, क्योंकि आप उसको बहुत पसंद करते हो, गाने सुनने को या डांस करने को. तो जो चीज फिर आपको पसंद है आप उसके लिए
पहले अच्छे से मेहनत कर लोगे, पढ़ाई भी टाइम पे हो जाएगी एंड आपको रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। एंड यस एट अ स्ट्रेच कि यार आज अभी बैठी हूं ना, अब तो मेरा इतना अंदर से पढ़ाई आ रही है ना कि अब तो बेटा कुछ भी हो जाए मैं 5 घंटे उठूंगी नहीं, 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ूंगी। गाइस ये ना बोलने की बात होती है यार, हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों की भी कुछ नीड्स होती है ना, मतलब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा थोड़ी कि रोबोट थोड़ी है कि बस एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिए एंड इट विल कीप ऑन वर्किंग, राइट। उसको भी कुछ चाहिए रहता है ना, फीड करना पड़ता है हमको हमारे माइंड को भी। तो वो हम कैसे करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके जो चीज पसंद है वो करके, बीच बीच में खुद को ब्रेक्स देके। तो अगेन आई वुड से स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ सम ब्रेक, ब्रेक नॉट फ्रॉम द स्टडी कि चले गए 4 दिन घूमने के लिए, नॉट लाइक दैट, बट 2 घंटे पढ़े तो भाई ये प्लान कर लिए कि 2 घंटे पढ़ो फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगी, फिर जो भी आपको करना है 10 मिनट में, सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है या गाना सुनना है, जो भी आपको करना है वो करो, जो भी आपको पसंद है। तो आप अपने आप को ब्रेक्स देना शुरू करो, आप उससे बहुत रिफ्रेश हो जाते हो। तो एक एक आपके पास ऑप्शन है कि खुद को रिवॉर्ड्स दो, खुद को ब्रेक्स दो, या आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, बेटर देन मी यू नो योर सेल्फ। आपको ये पता है कि कौन सी चीज दिमाग के अंदर जाएगी जब वो एकदम प्रॉपरली फिट होके दिमाग अच्छे से काम करेगा कि हाँ अब उसको मतलब वो चीज चाहिए है तो वो अच्छे से काम करेगा। तो ऐसी आप चीजें खुद को प्रॉमिस करो, गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड एक जो ओवरऑल प्लान बनाओगे ना उसके हिसाब से अगर वो चीजों को फॉलो करोगे, वो ध्यान में रखोगे, सबसे मैंने पता होना चाहिए जाना कहाँ है, वो नहीं पता है जाना कहाँ है, कितना टाइम में जाना है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है ना। हम रास्ते में जा रहे हैं, मुझे जाना है कोई फंक्शन में, वेडिंग फंक्शन में, वो कल की है, पर मैं निकली हूँ बहुत मतलब 24 घंटे का रूट है और मैं हर आधे एक घंटे में ब्रेक ले रही हूँ, चाय पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ। तो यार गाइस फिर आप लोग कैसे पहुंच पाओगे ना टाइम पे, शायद पहुंचोगे तो बट वेरी लेट। तो बट हमको हमारे करियर में बहुत लेट नहीं होना है ना, हमको टाइम से जो भी करना है, सीए करना है, सीएस करना है, टाइम पे खत्म भी करना है। तो इसीलिए फर्स्ट एनालाइज कितना टाइम है, कहाँ जाना है एंड कैसे जाना है, मतलब खुद को उन सब रास्तों में मुझे क्या क्या खुद को रिवॉर्ड देना है या खुद को कैसे संभालना है, वो सब आइडेंटिफाई करो एंड देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर स्टडीज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो गाइज थैंक यू सो मच। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है या और कुछ जिसमें आपको सजेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल द बेस्ट।